दर्जे की बेटी की किस्मत। नीलमपुर राज्य में सिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता महल के दर्जी का काम करते थे। सिया भी सिलाई बुनाई कढ़ाई में बहुत तेज थी, बल्कि यूं कहा जाए कि अपने पिता से भी आगे थी। उसके हाथों के बने कपड़े और उन पर की गई कारीगरी अगर कोई एक बार देख ले तो वो बस देखता ही रह जाता था। ये लीजिए पापा, हो गए सारे कपड़े, मैंने कल रात को ही बना दिए थे, आप दे दीजिएगा आज सारे सिपाहियों को। वाह, तुमने तो इतने कम समय में ये सब कर दिया। मुझे लगा था आज मुझे राजा जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है भला कि सिया के होते हुए उसके बाबा का सिर झुक जाए? तू तो मेरा गुरूर है सिया। सिया ने कम समय में ही सिपाहियों के कपड़े तैयार कर दिए थे, जिससे राजा साहब उसके बाबा से बहुत खुश हो गए और उन्हें इनाम भी दिया और अपने राजकुमार बेटा रमन सिंह के पास आने की खुशी में उन्होंने जो शाही दावत रखी थी उसमें राजकुमार के कपड़े सिलने का काम भी उन्हें ही मिल गया था। हम चाहते हैं कि तुम ऐसी पोशाक बनाओ राजकुमार रमन के लिए जो सब लोग देखते रह जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज कि सबसे सुंदर पोशाक बना सकूं। कोशिश नहीं दर्जी, तुम्हें सबसे सुंदर पोशाक बनानी ही होगी। जी महाराज। सिया के बाबा इनाम लेकर घर आते हैं और सिया और अपनी पत्नी को इनाम दिखाकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, इतने सारे सिक्के मिले हैं इनाम में, फिर भी आप खुश नहीं हैं, क्यों? महाराज ने मुझे राजकुमार रमन सिंह के लिए पोशाक बनाने को कहा है जो सबसे सुंदर होनी चाहिए, जो वो शाही दावत में पहनने वाले हैं। हाँ तो बना दीजिए ना बाबा, इतना सोच क्यों रहे हैं? मेरे बाबा से अच्छी पोशाक और कोई नहीं बना सकता। हाँ, अगर राजकुमार को पसंद नहीं आई पोशाक तो? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा, आप इत्मीनान से पोशाक बनाएं, मैं आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है बेटी। राजमहल का एक नियम था कि राजकुमार की पोशाक को महल में ही बनाना होता था, जिससे उनकी पोशाक सुरक्षित रह सके। सिया के बाबा ने वो पोशाक बनाना शुरू कर दिया, पर एक दिन अचानक उनका हाथ सिलाई मशीन में घायल हो गया और वो बिना किसी को बताए घर चले आए। बाबा लाइए, मैं मरहम लगा देती हूँ, आपका घाव तो बहुत ही गहरा है। अब मैं पोशाक कैसे बनाऊंगा, महाराज ने कितने विश्वास से मुझे ये काम सौंपा था। बाबा आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस घायल हाथ के साथ ही पोशाक बना लूंगा, पर मैं महाराज को धोखा नहीं दे सकता। आपकी जगह मैं पोशाक बना दूंगी। पर इस पोशाक को महल में रहकर ही बनाना होता है बेटी। तो मैं आपका भेष बनाकर चली जाऊंगी, सर पे पगड़ी और नकली मूछें लगा लूंगी, फिर तो ठीक है बाबा। सिया अपने बाबा का रूप धारण करती है और महल में पहुंच जाती है। बड़ी मेहनत से एक सुंदर सा पोशाक राजकुमार के लिए तैयार करती है। जल्दी करो, राजकुमार बस आते ही होंगे और उन्हें ये पोशाक पहनकर देखनी भी है कि सही लग रही है या नहीं। हाँ हाँ बना रहा हूँ, मेरे भी दो ही हाथ हैं, चार नहीं, थोड़ा सबर रखो। ये लो, राजकुमार रमन सिंह आ गए। दर्जी, हमारी पोशाक तैयार है, हम उसे पहन कर देखना चाहते हैं कि कैसी लग रही है। हैं राजकुमार, आपकी पोशाक तैयार है, ये लीजिए आप पहन कर देख लीजिए। राजकुमार जब पहली बार उस पोशाक को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, उनकी नजरें ही नहीं हटती उस पोशाक से। क्या हुआ राजकुमार, आपको पसंद नहीं आई पोशाक? पसंद? हमें ये बहुत ज्यादा पसंद आई, आज तक हमने ऐसी सुंदर पोशाक कभी नहीं पहनी।
धन्यवाद राजकुमार, तो अब हमारा सारा काम खत्म हुआ, अब हम चलते हैं। सिया आगे बढ़ती है और चलने लगती है। अरे रुको, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। पीछे से पगड़ी पर हाथ लगने से पगड़ी खुल जाती है और सिया के बाल भी खुल जाते हैं और वो भागने लगती है। अरे रुको, हमारी बात सुनो। सिया राजकुमार की बात नहीं सुनती और तेजी से भाग जाती है, पर भागते भागते उसके पैर की पायल वहीं गिर जाती है जो राजकुमार के हाथ लग जाती है। इतनी सुंदर पोशाक बनाने वाली लड़की कौन थी? हम तो उससे मिलना चाहते थे। शायद वो हमसे डर गई होगी, पर अब हम भी उसे ढूंढ कर रहेंगे, क्योंकि अब इस पोशाक पे हमारा दिल जो आ गया है। राजकुमार ने वो पायल अपने पास रख ली और उधर सिया इस बात से परेशान थी कि कहीं किसी को पता चल गया कि उसने पोशाक बनाई है तो उसके बाबा को दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती। इस तरफ राजकुमार किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। माँ पिताजी, हमें लगता है कि हमें शाही भोजन के साथ कन्या भोज भी रखना चाहिए, जिसमें कुंवारी कन्याओं के पैर धुलाकर उन्हें भोजन खिलाना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी जी इस राज्य पर प्रसन्न होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। सारे राज्य की कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करो कन्या भोजन के लिए। सारे राज्य की लड़कियों को कन्या भोजन के लिए आमंत्रण किया जाता है। सिया को भी इस भोजन में आना पड़ता है। सारी कन्याएं एक एक करके भोजन करने बैठती है, जिनसे पहले दासियां उनके पैर धो रही थी और राजकुमार की नजर बस उस पैर पर थी जिसकी एक पायल उनके पास थी। और जब सिया की बारी आई और जैसे ही दासी ने उसके पैर धोए, उसके पैर में एक पायल नहीं थी। यही है वो। क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए उनकी जगह पर पोशाक सिल दी थी। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हमारी राजकुमारी बनना होगा और हमारे लिए कपड़े सिलने होंगे। क्या, आप एक दर्जी की बेटी से शादी करना चाहते हैं? मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके हाथों में कला का जादू हो। बस फिर क्या, राजकुमार ने हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया सिया का हाथ और सिया भी उनके लिए हर बार एक सुंदर पोशाक बनाती रही।